तो व्यूअर्स, इस टाइम हम इस मेन शाहरा फैसल पे मौजूद हैं और ये मेन शाहरा फैसल पे जो काशिफ सेंटर बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं सामने। इसके ऊपर मंजिल पे जो है वहाँ बड़ा गुटी है। इस टाइम फायर ब्रिगेड का हमला और दिगर पुलिस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 112 की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। ये मनाजिर आप चेक कर सकते हैं कि क्रेन्स के ज़रिए जो है इनको उतारा जा रहा है। KMC की भी क्रेन लगी हुई है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की भी। शाहरा फैसल का एक ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान नेवी के फायर ब्रिगेड भी इस टाइम पे मौजूद हैं शाहरा फैसल पर, आप चेक कर सकते हैं सामने। नेवी का हमला भी जो है यहाँ पहुँच चुका है। काशिफ सेंटर के अंदर ये आग लगी है आज जुम्मे के दिन, ये आप चेक करें सामने। काशिफ सेंटर क्रेन्स के ज़रिए जो है लोगों को उतारा जा रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार भी यहाँ मौजूद हैं, SSU के कमांडोज भी यहाँ मौजूद हैं। ये मनाजिर आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों को अभी क्रेन के ज़रिए उतार लिया गया है और कुछ लोग अभी भी अंदर हैं। हलाकतों का अभी इतना नहीं कह सकते कि कितनी हलाकतें हो चुकी हैं। शाहरा फैसल का एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और यहाँ पे पानी के टैंकर्स पाकिस्तान नेवी की तरफ से वो खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी खड़ी हो चुकी हैं, ये आप सामने मनाजिर चेक कर सकते हैं। दोबारा क्रेन ऊपर की जानिब जा रही है, ये आप चेक करें। और वहाँ से जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाएगा वापसी। एक क्रेन से ऊपर वो जा रहा है, ये आप चेक करें। दूसरी क्रेन ये जा रही है दूसरी साइड से। एक क्रेन जो है वो फ्रंट साइड से जा रही है और लोगों को बाहिफाजत उतारा जा रहा है। हलाकतों का अभी नहीं पता चल सका और कितने ज़ख्मी हैं, कितने इस सानिया में हलाक हो चुके हैं, अभी कुछ भी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। एम्बुलेंसेस की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है फायर ब्रिगेड का तो सारा ही हमला कराची का जो है यहाँ पे तलब कर लिया गया है।